स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और आपका सपना है कि आपका भी अपना ड्रग लाइसेंस हो जिसे आप भविष्य में मेडिकल शॉप खोल सकें, तो उसके लिए आपको झारखंड में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो डिस्टेंट मोड पर आपका एडमिशन लेंगे और बहुत ही कम फीस पर। आप सिर्फ एग्ज़ाम देने आना होगा आपको, इस आधार पर आप अच्छी तरह से पास भी हो जाएंगे। तो अगर आपको एडमिशन लेना है ऐसे कॉलेजेस में तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर टू के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रेस्ट फीडिंग के से। ब्रेस्ट फीडिंग क्या है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द वुमेन शुड इज आइडली कंज्यूल्ड ऑन द बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। द मदर शुड बी प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग। यानी कि अगर कोई माँ गर्भावस्था में है और उस दौरान स्तनपान को लाभ उनको मालूम होने चाहिए और उनको ये परामर्श देना चाहिए कि स्तनपान किस तरह से करना है, और उसकी सूची जो है हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं। पहला है, सी शुड इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग स्पेशली कोलोस्ट्रम फीडिंग विथिन 60 मंथ ऑफ चाइल्ड बर्थ। यानी कि जब बच्चे का जन्म हो उसके 60 मिनट के अंदर विशेष रूप से प्रथम स्तनपान करा देना चाहिए, यानी ब्रेस्ट फीडिंग करा देनी चाहिए। दूसरा है, सी शुड नॉट गिव एनी प्री लैक्टिक फीड। यानी कि उन्हें अपने बच्चों को कोई भी जो है कोई भी ऐसा बाहरी पदार्थ नहीं देना है, या कोई भी एक ऐसा लैक्टक फीड जिससे कि दूध बढ़े, इस तरह का कोई भी चीज़ उनको प्रदान नहीं करना है। सी शुड मेक श्योर द बेबी इज़ वेल अटैच टू द ब्रेस्ट। उनको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चा जो है अपनी माँ के स्तन के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हो और उसे स्तन पान करने में कोई कठिनाई ना हो रही हो। चौथा है, सी शुड कंटिन्यू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ। और ये भी ध्यान रखना है उनको कि वो लगातार ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहें 6 महीनों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सी शुड ब्रेस्ट फीडेड द बेबी वेन एवर ही सी डिमांड मिल्क। यानी कि बच्चा कभी भी अगर डिमांड करे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तो उन्हें वो देना चाहिए। इरिटेट नहीं होना है कि बच्चे बार बार क्यों दूध पीने के लिए माँ से अनुरोध कर रहे या रो करके अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। छठा पॉइंट है, सी शुड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ रूमिंग इन। यानी कि क्या होता है, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो माँ को एक रूम में बंद रहना का अभ्यास नहीं होता है, तो शुरू शुरू में काफ़ी परेशानियां होती हैं एक ही जगह रूम में बंद होकर के बच्चे के साथ समय बिताने में। तो उन्हें अभ्यास करना चाहिए रूम के अंदर रहने का, ताकि बच्चे का सही तरह से लालन पोषण हो सके। अब बात करते हैं कि माँ के दूध में कौन कौन से पोषक पदार्थ होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो स्तन का दूध यानी माँ का दूध शिशुओं के लिए सबसे उपयुक्त आर्थिक पौष्टिक और विशिष्ट भोजन है। यह प्रकृति में संक्रमण रोधी होते हैं, यानी कि ये अनेक तरह की बीमारियों से बचाते हैं। और पहला जो दूध होता है वो गाढ़ा चिपचिपा और पीले रंग का दूध होता है, जो बच्चे के जन्म के लगभग 5 से 7 दिनों के बाद उत्पन्न होता है। यह एंटीबॉडी प्रोटीन खनिज नमक विटामिन ए से भरपूर होता है, इसीलिए ये बच्चे को पिलाना बहुत ही जरूरी है। इसमें वसा और शर्करा की मात्रा बहुत कम होती है। उसी के साथ साथ बच्चे का जो है वो आँख में बिलिरुबिन निष्कासन को भी ये बढ़ावा देता है, और जो मतलब बच्चों को पीलिया होने से रोकता है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि 100 ग्राम माँ के दूध में प्रोटीन की मात्रा 1.3 ग्राम होती है, वसा यानी फैट की मात्रा 4.2 ग्राम होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 7 ग्राम्स होती है, सोडियम की मात्रा 15 ग्राम होती है, कैल्शियम की मात्रा 35 ग्राम होती है, फास्फोरस की मात्रा 15 ग्राम होती है, 15 मिलीग्राम होती है, माफ़ कीजिएगा जो ऊपर आप देख रहे हैं। उसके बाद आयरन की मात्रा 76 माइक्रोग्राम होती है, विटामिन ए की मात्रा 60 माइक्रोग्राम होती है, विटामिन सी की मात्रा 0.01 माइक्रोग्राम होती है, और विटामिन डी की मात्रा 0.01 माइक्रोग्राम होती है। इसी तरह मैग्नीशियम की मात्रा 3 मिलीग्राम होती है। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपके सुझाव दें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।